पूर्व वडाप्रधान पीवी नरसिम्हा राव पर एक वेब सीरीज आवी रही छे। भारतीय अर्थतंत्र में क्रांतिकारी सुधारानो पायो नाखवामां नरसिम्हा रावनुं मोटुं योगदान छे। बाबरी घटना होय के पछी मुंबई विस्फोट होय के पछी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशनना निर्णय होय, आ वेब सीरीजमां तमाम मुद्दाओने आवरी लेवाशे। आ वेब सीरीज विनय सतपतिना पुस्तक ध हाफ लायन पर आधारित छे। आ सीरीजनुं निर्देशन डिरेक्टर प्रकाश झा करशे। It was more than 20 years ago that I first began to think of writing an autobiography. It gives me great pleasure to release Sri P.V. Narasimha Rao's book. P.V. Narasimha Rao, एक एवं नाम जे इतिहासना पन्नाओं में क्या गायब थई गयो, एक एवं नाम जे क्यारे लाइमलाइट में ना आवी शक्यो, परंतु हवे एमना पर एक वेब सीरीज बनी रही छे। आहा ओटीटी अने अपलोज एंटरटेनमेंट साथे प्रकाश झा एक वेब सीरीज लावी रहा छे, जे पूर्व प्रधानमंत्री नू जीवन चरित्र देश सामे प्रस्तुत करशे। देश मां आर्थिक सुधारानो श्रेय नरसिम्हा राव ना फाळे जाय छे। 1991 થી 1996 સુધી નરસિમ્હા રાવે પીએમ ના કાર્યકાળમાં એવા નિર્ણયો લીધા જેનાથી માત્ર ભારતનો સમાજ જ નથી બદલાયો, પરંતુ ભારતની આજે દુનિયાના ટોપ દેશોમાં ગણતરી થવા લાગી। आपके पास ये प्रोजेक्ट आया तो आपके जहन में पहली क्या चीज आई थी कि आप क्या पहला ऐसा पन्ना आप लोगों को दिखाना चाहेंगे? पन्ने ही पन्ने भरे पड़े हैं। 1991 से 96 तक का भारत का इतिहास जो है वो एक मोमेंटस इतिहास है, बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है। ये एक ऐसे व्यक्ति ने जो लगभग राजनीति छोड़ करके रिटायर कर रहा था, उस व्यक्ति के हाथ में एक मौका लगता है और वो व्यक्ति सबसे मजबूत व्यक्ति निकलता है। ऐसे ऐसे निर्णय लेता है और ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स को, ऐसे ऐसे सिस्टम को बैक करता है जिससे कि हमारे देश का सामाजिक इतिहास बदल जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ चली जाती है। हम बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे, पूरा विश्व बहुत कठिन समय से गुजर रहा था और ऐसे समय पर वो आकर के देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। और जो कुछ भी उन 5 वर्षों में हुआ आज हम उसी की रोटी खा रहे हैं। देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म लावो, लाइसेंस राजनो खात्मो करवो इतलो आसान नहोतो। आनी पाछळनी घटनाओ कई छे, नरसिम्हा रावे आवुं केवी रीते शक्य बनाव्युं, वेब सीरीज मां बधा पटल खोलवामां आवशे। कौन कौन से और पात्र थे उस खेल के पीछे, तो वो चीज़ें जब सामने आएंगी कहानी के रूप में तो समझ में आए, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म करना या अपने पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसी को लिबरलाइज करना या लाइसेंस राज को ख़त्म कर देना, ये आसान काम नहीं था जी। हुआ कैसे और वो ड्रामा क्या था उसके पीछे और उसके परिणाम क्या हुए, इनको एक कहानी में बना के बताना बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी जिससे कि लोग सारा कंटेक्स्ट समझ पाएंगे और एक इंटरेस्टिंग कहानी भी बनी। देश में आर्थिक सुधारा ज नहीं, भारत नी विदेश नीति में पण नरसिम्हा राव नो सिंह फाळो हतो। तेमनु आ योगदान आज दिन सुधी लोको नथी जानता। जे इजरायल आजे भारत साथे दरेक मुसीबत में पड़खे उभू रहेतो देखाय छे, एने नरसिम्हा राव केवी रीते नजीक लाव्या, ग्लोबल लीडर साथे रावनी मित्रता केवी हती, ए पण आ वेब सीरीज मां जोवा मळशे। रिकग्नाइज करके वहां एम्बेसी बनी जी। और कैसे बनी, क्यों बनी और क्या हालात थे और उसके बनने के क्या परिणाम हुए, ये कहानी पूरी करेंगे। तो इसी तरह से आपने जो कहा साउथ ईस्ट कंट्रीज लुकिंग ईस्ट जी, की पॉलिसी जो पॉलिसी थी वो नरसिम्हा राव ने शुरू की कि सिर्फ अमेरिका नहीं, हम साउथ कोरिया को भी देखें। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से उनकी स्पेशल दोस्ती थी, सिंगापुर भी बहुत सपोर्ट करता था भारत को उस समय में। एकंदरे आ वेब सीरीज में पूर्व पीएम ना जीवन ना दरेक पासाओ आवरी लेवाया छे, जेमां राजकारण नी साथे साथे अंगत जीवन ना पाना पण खुलशे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।